हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे। और आप देख रहे हैं, ये है बजाज का डिस्कवर 135 है और ये सफ़ेद धुआँ का प्रॉब्लम है। तो कस्टमर का कहना है कि सफ़ेद धुआँ जब भी मोबाइल चेंज करता है तो मोबाइल कम निकलता है, तो मोबाइल पी रहा है, सफ़ेद धुआँ भी दे रहा है। तो इसको हमने खोला है तो कस्टमर का कहना है कि ब्लॉक को पूरा चेंज कर दे, नया ब्लॉक लगा दे, ये बोरिंग वगैरह नहीं करना है। तो मैंने इसको खोल दिया है अभी, तो देख सकते हैं आप, मैंने इसको खोल दिया। ये देखिए, ये इसका ब्लॉक है। पहले मुझे लगता है पहले इसको एक दो बार बोरिंग कर दिया गया है। मेरे पास तो ये पहली बार आया है, ये लगता है एक बार बोरिंग किया हुआ है। पिस्टन दूसरा कंपनी का पिस्टन लगा हुआ है और ये देख सकते हैं हेड चार बल्ब वाला है, तो इसमें तीन बल्ब तो मुझे लगता है लीकेज का प्रॉब्लम है। तीन बल्ब में एक तो ठीक लग रहा है, मतलब ये भी ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। और इसका जो रोकर होता है, ये रोकर एक साइड में दो बल्ब का टाइप में दो बल्ब का टाइप रहता है, दो बल्ब पकड़ने के लिए इसका एडजस्टर टेपिट एडजस्टर जो है, एक साइड सिंगल है एक साइड डबल है, डबल बल्ब दिया है, इसलिए दो इनलेट है दो एग्जॉस्ट है। तो ये कनेक्टिंग भी ठीक है और इसका मैंने टाइमिंग चेन भी कुछ दिन पहले चेंज किया था, तो टाइमिंग चेन नया है अभी, वो नहीं लगेगा। तो ये हेड जो देख सकते हैं आप, बल्ब तीन लीक कर रहा है मुझे लग रहा है, और ये ब्लॉक है इसमें भी स्क्रैच आ गया है। तो मैंने नया बजाज का जेन्युइन ब्लॉक मंगाया है इसके लिए, 135 पल्सर का। तो इसको अभी चेंज करेंगे और दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी बजा कर रखिए ताकि आपको नया नया वीडियो मिलता रहे। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे पेज को भी फॉलो करिए, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी बजा कर रखिए ताकि आपको नया नया वीडियो मिलता रहे। ये मैंने इसको फिटिंग कर दिया नया ब्लॉक को, और बाकी काम हम ख़त्म करेंगे, मतलब इसके लिए ब्लॉक चेंज करने के लिए ही खोला गया है इसको।